सारे बोल्ड हुए ना? हाँ सारे बोल्ड हुए। बॉल खोदी भाई। SG की ब्रांडिंग इस वाले पैड पे है, बट इस वाले पैड पर क्यों नहीं है कमेंट करके जरूर बताना। Hey guys, welcome back to another vlog of Cricket Cardio. I hope आप सभी अच्छे होंगे और क्रिकेट खेल रहे होंगे, उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज हमारा होने वाला व्हाइट बॉल से मैच और ये T20 का फ्रेंडली मैच है भाई, कोई टूर्नामेंट का नहीं है, तो फ्रेंडली मैच है अपना। बढ़िया प्रैक्टिस के लिए हम जा रहे हैं, आज सैटरडे का दिन है भाई। सामान पूरा फैला हुआ है यार, देखो किट पैक का मैं दिखा देता हूँ। मैं कोई भी चीज खरीदता हूँ तो उसका जो कवर होता है कभी भी फेंकता नहीं हूँ, उनको इसी में रखता हूँ, ताकि ये क्या है अलग अलग अपने जगह ले लेते हैं, वरना ये मुड़ तोड़ जाते हैं अंदर जाके किट में। तो इसीलिए मैंने देखो हेलमेट भी कवर में रखा हुआ है, ग्लव्स भी, ये भी और पैड भी रखूंगा। आप सभी के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है भाई, आज का क्वेश्चन जो भी आंसर कर देगा मैं मान जाऊंगा भाई वो क्रिकेट को बहुत ही अच्छे से फॉलो करता है। तो यार आज का क्वेश्चन ये है कि ये SG के कलर्ड पैड्स है, ठीक है, आप सभी को देखने के लिए मिल रहा होगा। अब SG की ब्रांडिंग इस वाले पैड पे है, बट इस वाले पैड पर क्यों नहीं है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो भाई ये देख लो, यहाँ पे SG की ब्रांडिंग है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, ये देखो यहाँ पे SG की ब्रांडिंग है, यहाँ पे नहीं है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। मम्मा सूरज कहाँ से निकला है? फिर लाइट तो जला लो। अब उजाला हुआ है बाबा का। सूरज निकला नहीं अभी। चाय पियेंगे तब सूरज निकलेगा। आज हमारा ब्रेकफास्ट तैयार है, पापा का तैयार हो रहा है, ये देखिए अभी बन रही है मसालेदार चाय। यार स्कूल की बसें, होय 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 होय, हम भी कभी बसों में स्कूल जाया करते थे भाई, स्कूल की यादें भी अलग ही याद है। जो भी क्वेश्चन पूछते ना कि यार गगन भाई स्कूल कैसे मैनेज करें और ये सब, भाई सब कुछ हो जाता है, पढ़ाई कर लो पास हो जाओ बढ़िया, मम्मी पापा भी खुश और आप भी क्रिकेट खेलोगे तो आप भी खुश। ग्राउंड में पहुंच चुके हैं, यहाँ पे मैच शुरू होने वाला है, यहाँ पे हो चुका है शुरू, हमारा है 3 नंबर में भाई। बहुत ज़्यादा लेट हो गए आज, तो आज हमें पड़ेगी डांट। आप देखो हमारी टीम ऑलमोस्ट रेडी है सामने। लवले लवले, आज आपका भाई विकेट कीपिंग नहीं कर रहा है, आज मैं कवर्स पे खड़ा हूँ पहले ओवर से ही। तो आज भाई फील्डिंग का आपको गोप्रो दिखाने वाले हैं, अपने हेड पे पहनने वाला हूँ और यहाँ से आप सभी को दिखाएंगे फील्डिंग के व्यू से। आज आप सभी को दिखाने वाले हैं, हमारी टीम ने पहले टॉस जीता है और हमने पहले फील्डिंग चूज़ करी है, क्योंकि भाई विकेट थोड़ी सी वेट लग रही है, वेट पैचेज हैं देख लो, थोड़े से बीच बीच में पैचेज है। मारो 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 मारो, शाबाश शाबाश गाइस, ऐसे बैकअप करना चाहिए। जैसे मैंने मिड ऑन का मुझे पता था थ्रो इस साइड आएगा, तो विकेट के पीछे गए हम जहां पे थ्रो आएगा और बैकअप करा। रुकेगा रुकेगा भैया, मार दो बॉलिंग है, बॉलिंग है, बॉलिंग है। दूसरी टीम का नाम लॉस्ट 11 क्यों है? एक भी नहीं जीते। थैंक यू।
दो ओवर में दो विकेट वही लगाए आगे बढ़ के मारे जा रहे सही नाम रखा फिर तो इन्हें लॉस्ट इलेवन मारे बहुत है इन्होंने अच्छा। बता रहा था 200-230 ऐसे चलता है स्कोर इनका हमारे ग्रुप में हम खेलेंगे इसको तो जानते थे दो विकेट गिर चुकी हैं दो आज आप मेरा मुंह नहीं देख पाओगे फील्डिंग के टाइम और बैटिंग के टाइम भी नहीं दो विकेट एक कैच आउट हुए हैं पॉइंट पे एक हुए हैं बोल्ड दो विकेट 10 रन मारो बॉलिंग बॉलिंग रवि पकड़ इतनी होस है एक डाइव मारी कपड़े गीले हो चुके हैं ये देखो दस ओवर पूरे हो चुके हैं और दूसरी टीम ने 78 रन मारे हैं तीन विकेट हम ले चुके हैं लेट्स सी 10 ओवर और में कितना ये टारगेट हमें दे पाते हैं वाली उस वाली वीडियो को ना अपना शॉट्स डाल देना कौन सी मतलब तीन टप्पों वाली डायरेक्ट हिट कैसे मारी जाती है वो तो मैं सोच के भी नहीं मारी वो तो मैंने उत्तर मारी थी गुरु जी वो अपनी साइड से ध्यान दो गुरु जी बोले सारे कोच के चारों तरफ इधर से 100 रन बनाने तुम बना लोगे अरे हां वीडियो बना मैं ये चाहता हूं मैं इंश्योरेंस फॉर योर इसमें भी इंश्योरेंस फॉर योर हैंड हो गया तेरा ब्लॉग में सैनियोला हैंड सैनी इंश्योरेंस फॉर योर हैंड्स एक इनिंग खत्म हो चुकी है और दूसरी टीम ने हमें 150 रन्स का टारगेट दिया हमने उनकी 9 विकेट गिरा दी थी भाई 20 ओवर में 9 विकेट 150 रन्स का टारगेट तो अब हमारे बैट्समैन जा चुके हैं भाइयों अब देखते हैं यार 20 ओवर में 150 रन्स हमारी टीम थोड़ी चेजिंग में थोड़ा सा लैग करती है अब देखते हैं आज हम चेज कर पाते हैं या फिर नहीं बैटिंग आएगी तो अपना 100% देंगे चेज करके बिल्कुल आप सभी को दिखाएंगे कितने रन और चाहिए भैया कितने रन चाहिए लेग मिडल थैंक यू गाइस जब भी चेस कर रहे हो ऐसे रन रेट को दिमाग में ज़रूर रखें जैसे हमें 60 बॉल में 51 रन चाहिए तो हर ओवर में हमें 6 रन चाहिए अप्रॉक्स 6 से कम ही चाहिए 6
28 रन चाहिए, 6 विकेट बची हैं। सुनील भैया इनटू द अटैक, इजी बॉल है भैया, कुछ नहीं हो रहा, और सीधा सीधा खेलना है बस। एक और देखो ठीक है या दो देखो आ गया चेज कर रहे हो, विकेट अगर लगातार खोते रहोगे प्रेशर आता जाएगा, कभी भी ऐसा ना करें। अभी तो रन कम है, अगर रन इक्वल होते फिर प्रेशर आता बैट्समैन पे। दो विकेट पे सारे बोल्ड हुए ना हाँ सारे बोल्ड हुए, सारे बोल्ड हैं। सीधी आ रही है, कुछ नहीं है, लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं, इंटेंस चेज हो सकता है। विकेट पे विकेट गिर रही है। बढ़िया बॉल खो दी भाई, स्कूल में चलेगी। ये वाले इधर बता दे, तो जैसे ये तो स्लॉट में देते ही तो वहीं है। प्लेट भाई गुड नहीं है, प्लेट भैया प्लेट भैया बिल बढ़िया प्लेट, सॉरी भाई मैं आउट हो गया। अरे हां लड़के छक्का बहुत बढ़िया, उसका भी एसीएल गया हुआ है, वो अभी रिकवरी मोड में है, वो जो उनके पास एक वो है, वो वाला ले लो आप, वो वाला यूज करो। क्या चीज का पता नहीं आज बांधा हुआ है, इतने आज बांधा हुआ है गाइस। वॉर हैज स्टार्टेड, देखो 1 2 3 4 5, ये इनकी मम्मी है, ये इनके पापा है, ये इनकी छोटी सी फैमिली, और ये पापा भी भोग रहे हैं बेचारे। गाइस मैच खत्म हो चुका है और हम मैच जीत चुके हैं यार। लास्ट ओवर तक जाने वाला था बट उससे पहले ही आपके भाई ने खत्म कर दिया, चेज करके दे दिया। 4 विकेट से हम मैच जीते हैं, 149 रन्स 9 विकेट पे दूसरी टीम ने बनाए थे, हमारी टीम को 150 रन्स का टारगेट था और हमने 153 रन्स बना दिए 6 विकेट के नुकसान पर। और तो और भाई हमारी जितनी भी विकेट गिरी है सारे के सारे बैट्समैन बोल्ड हुए हैं, बहुत ही ईजी चेज था यार एक टाइम पे, बट हमारी विकेट काफ़ी फ्रिक्वेंटली गिरती गई। उसके बाद कुछ 20 रन रह गए थे 30 बॉल्स में, तो भी विकेट गिर रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा स्ट्राइक अपने पास रखता हूँ मैं। 19th ओवर की सेकंड लास्ट बॉल पे आपके भाई ने लंबा छक्का मारा और स्कूल के अंदर जाके गिरी है वो बॉल, बॉल गुम हो चुकी है। तो आपके भाई ये देखो MS धोनी से सीखा है ये, तो भाई छक्का मार के जिताना है, ये छक्का या चौका मार के, बहुत ही लंबा छक्का मारा है ये। और मेरे स्कोर की बात करें तो मैंने 30 रन बनाए 26 बॉल में, जैसी रिक्वायरमेंट थी जब मैं आया था 60 बॉल में कुछ 50 रन चाहिए थे, तो उसमें से 30 रन मेरे हैं। रूपक भैया ने बहुत बड़ी बैटिंग की है, 24 बॉल में 60 रन बनाए हैं। फ्रेंडली मैच था, थोड़ी प्रैक्टिस हो गई और थोड़ा इंटेंस भी हो गया था लास्ट में जाते आते चेज। तो बाकी आप सभी लोग कमेंट करके जो मैंने पैड के ऊपर क्वेश्चन पूछा था वो मुझे ज़रूर बताना, SJ की ब्रांडिंग एक पैड पे क्यों होती है, दूसरे पे क्यों नहीं होती है कलर्ड वाले में? व्हाइट पैड्स में तो दोनों पे होती है बट कलर्ड वाले में एक पे क्यों होती है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आज तो खुल के खेले पूरा, आज बहुत दिनों के बाद बैट चला, बैट के साथ रिजल्ट आया। सबसे फेवरेट शॉट कौन सा लगा आपको जो भी मारा आपने? मेरा सबसे फेवरेट शॉट जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का गया था। तो गाइस आज के ब्लॉग के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब भाई देखो किट हमने यहाँ पे रखी हुई है, ये देखो इतनी फैल रखी है किट हमारी, ये सुखाने के लिए रख रखे हैं भाई, थोड़े पसीने आ गए थे, तो अब इन्हें पैक करते हैं और घर के लिए निकलते हैं। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बता देना भाई जो मैंने क्वेश्चन पूछा था पैड्स के बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी अपना ख्याल रखिए, जय हिंद, नमस्कार, क्रिकेट खेलते रहिए, बाय बाय।